जगा 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 ले बोली अरे जाए नाची कूदी की बहुत कोशिशें की लेकिन ध्रुव को जगह नहीं पाई। तब चतुर्भुजी भगवान को स्वयं आना पड़ा, सामने खड़े हो गए और ध्रुव कहकर के आवाज लगाई, लाला ध्रुव
हाय पिता कह करके ध्रुव ने आंखें खोली और खड़ा हो गया। ध्रुव इधर देख, तूने इतनी कठिन तपस्या क्यों की? ये देखो मेरी तरफ वरदान मांग लो। क्या वरदान मांगना चाहते हो? वरदान की जब बात सुनी तो ध्रुव कहने लगा, मुझे सिर्फ यही अभिलाषा थी, मेरे पिता के दर्शन हो गए, वरदान कुछ नहीं चाहिए। आजकल के भक्तन को तुम भगवान बन जाए, पता न कहा का मांगेंगे, चाचा लाल बत्ती खट्टी मांगेंगे, हो सके प्रधानमंत्री हम ही बन जाए, सब मांग लेंगे। अगर प्रधानमंत्री हुए वो तुमने मांग लो तो 5 साल गए तो प्रधानमंत्री बन जाए, और फिर भिखारी बने गए तो भगवान से बगैर मांगे जितना मिलता है उतना मांगे से कभी नहीं मिलता है। भगवान स्वयं ही जानता है कब किस मोड़ पर और काहे की तुझे जरूरत है। भगवान कहने लगे, अगर तू कुछ नहीं मांग रहा है तो जा ध्रुव, जीवन में तू खुश रहेगा लेकिन अंत में तेरा इतना नाम रोशन होगा, लोग तुझे ध्रुव तारा के नाम से जानेंगे, आकाश में तू ध्रुव तारा के नाम से चमचमाता रहेगा। आज भी वो ध्रुव तारा के नाम से हम लोग जानते हैं, वो ध्रुव का नाम आज भी हम लोग लेते हैं, चमचमा रहा है वो ध्रुव। इंद्र के अरावत हाथी को बुलाया और कहा, शीलवान इस हाथी पे ध्रुव को बिठा लो और इसे अवध तक छोड़ के आओ। हाथी पे बैठ करके अवध में आए और हाथी से जब नीचे उतरे हैं, गांव के बुजुर्ग लोग आए हैं कि ध्रुव आ गया, उनके साथ साथ में ध्रुव आगे जा रहा है। सबसे पहले मौसी के दरवाजे पे पहुंचा, मौसी ने शर्म की वजह से कुंडी बंद कर ली, काफी बार कुंडी भी बजाई ध्रुव ने और कहा, मौसी अरे तेरा वही पुत्र लौट करके आ गया है जो तूने कहा था कि ये तेरे पिता कहाँ हैं, हमने तो अपने पिता की प्राप्ति कर ली, मौसी मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ क्योंकि तू हमारी सच्ची गुरु है, तू अगर हमें धकेला नहीं मारती तो मुझे ये ज्ञात नहीं हो पाता कि मेरे पिता कौन है, मुझे ज्ञात नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, जो तूने कहा वो अच्छी बात है, हम तो आगे बढ़ गए, अरे हमें तो भगवान के दर्शन हो गए। मौसी नहीं निकली, कायर थी पहले से सामने कैसे आती, फिर आगे बढ़ी और जाकर के अपनी मैया के पास पहुंचे जहां सुनीति मैया बैठी हुई थी। मैया ने जब मैया के पास में पहुंचे हैं तो आवाज लगाई, और इसी बीच में नीरज यादव जो हमारे मामा जी के सुपुत्र हैं, इनकी तरफ से हमारे गले में ये नोटों का हार आ रहा है और 10-10 रुपए हमारे सर्व साथियों को दे रहे हैं और 101 रुपए भिजवा रहे हैं, 101 रुपए भिजवा रहे हैं सोनू यादव नगला शीशम वाले, और ये रत्नेश जो इसी गांव भोजपुर से है, इनकी तरफ से हमारे गले में जो नोटों का हार आ रहा है, कामना करेंगे भगवान से, भगवान सदैव सुखी रखे, इन भक्तों को और समाज में सम्मान मिलता रहे, हमारे सर्व साथियों को भी ये सम्मानित कर रहे हैं।